हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने गीजर मंगवाया है जो कि एक्टिवा 35 लीटर का है और यह हमें पड़ा 4300 रुपये का। तो ठीक है, वैसे अब चला के देखेंगे, आपको इंस्टॉलेशन भी दिखाएंगे कैसे लगाते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, सब चीज़ दिखाएंगे आपको। और जो हमारा पुराना गीजर था वो लीकेज करता था इस साइड से नीचे से, तो इसीलिए हमने नया मंगवा दिया। तो आप उसको तो यहाँ पे आपको इसके अंदर ही मिल जाता है कि कस्टमर का नाम क्या है, क्या चीज़ है, वारंटी कार्ड जो होता है आपका। और पहले हमें एक मिलता है फॉर्म इसके ऊपर, फिर हमारे इसके नीचे हमारा गीजर, ये रहा गाइस गीजर। कॉल करेगा तो इसे इसके अंदर हमें मिलती है एक टेप, तीन नट, दो नट मिलते हैं और दो पाइप मिलते हैं, जैसे कि ये दो पाइप मिलते हैं, एक ठंडे पानी का इनपुट का, एक आउटपुट का है। ये कुछ कार्ड है इसका मेन्यू, एक ये है और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो तब हम आते हैं अपने गीजर के पास। ये इसकी वायर है और ये हमारा गीजर आएगा। और इसमें ठंडा गर्म ही है सारा करने का, ये एडजस्ट करने का कि कितना टेम्परेचर आपको वाटर का चाहिए। यस, और अब आपको लगा के दिखाएंगे। ये ऐसा है, देख लो, यहाँ एक्टिवा लिखा मिल जाता है आपको और ये एक इसका लोगो है और वाइट कलर में मिलता है। ये पे हमारा पुराना गीजर लगा हुआ था, ये उसके उसके पानी के पाइप पड़े हैं तो अभी यहीं लगा देंगे उसको। देखो भाई, लग गया हमारा गीजर और हमने दो नटों के ऊपर अटकाया बस इसको, एक यहाँ पे और एक दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, एक दूसरी साइड में आएगा। और ये हमारे दिखा रहा है कि आपके पास लाइट आ रही है और ये जैसे कि हीट करके कट हो जाएगा रेड वाला। और ये तार है और अब MCB भी ये जो हमने इसके अंदर MCB लगा रखा है C10 की, और ये टूटी हैगी तो अभी देखते हैं गर्म पानी आया है नहीं आया। अभी 5 मिनट हुए इसको चलाए हुए और गर्म पानी आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।